डेली फेस वॉश को यूज़ करते हो या फिर आपको फेस वॉश का इम्पोर्टेंस या फिर उसका यूजेस पता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिसका फेस वॉश का यूजेस या फिर उसका इम्पोर्टेंस पता ही नहीं होता, दैट्स वाई वो फेस वॉश यूज़ ही नहीं करते हैं, उसकी जगह वो हार्मफुल केमिकल्स वाला सोप लेके अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, एंड इवन जो सोप हम हमारे बॉडी के लिए यूज़ करते हैं उसको लेके अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है हमारे स्किन के लिए। एंड उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी आ चुके हैं, लाइक स्किन इरिटेशन, छोटे छोटे बम्प्स आना, स्किन को सेंसिटिव हो जाना, एलर्जेटिक हो जाना, लॉट्स ऑफ ऐसे आपको प्रॉब्लम दिखाई दे सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको बड़ी बीमारी जैसे स्किन कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ भी हो सकती है, तो बी केयरफुल, ऐसे सोप्स का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। एंड फेस वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन आवर स्किन केयर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको फेस का पीएच वैल्यू पता है, क्योंकि बहुत लोगों ऐसे ही बोलते हैं फेस का पीएच वैल्यू ऐसे ही नहीं पता होता। लेट मी टेल यू, फेस का पीएच वैल्यू तो 4.5 to 6, तो आपको इस अकॉर्डिंग को एक प्रोडक्ट को चॉइस करके अपने फेस पे यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज आपका फेस कम्प्लीटली डैमेज भी हो सकता है। बट उससे पहले हम जान लेते हैं फेस वॉश का बेनिफिट एंड उसका यूजेस क्या है। फेस वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन आवर स्किन केयर, यानी वो एक पहला स्टेप होता है हमारे स्किन केयर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अपना हमारा स्किन केयर अधूरा है, तो फेस वॉश हमारे स्किन को क्लीन करता है फ्रॉम डर्ट, धूल एंड पल्यूशन। एंड अब जब भी घूम के या फिर बाहर से घर में आपको डेफिनेटली फेस वॉश को यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज आपके फेस पर जो बैक्टीरिया फिर धूल डर्ट जो भी है वो जम के आगे जाकर पोर्स को क्लॉग करके पिंपल एक्ने भी हो सकता है। फेस वॉश जम इम्प्योरिटीज को रिमूव करने बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि बैक्टीरिया का बिल्डअप ना हो एंड एक्सेस ऑयल एंड सीबम का प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि आगे जाके हमारे पोर्स को क्लॉग करके पिंपल या फिर एक्ने भी हो सकता है। ऑल्सो फेस वॉश स्लो डाउन कर देता है साइंस ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग को एंड स्टिम्युलेट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, दैट्स व्हाई इस फेस वॉश इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर अवर स्किन। एंड आपको फेस वॉश दिन में 2 बार यूज़ करना चाहिए, एंड आपको मैं रिकमेंड करूँ आप मॉर्निंग में यूज़ करें, रात को सोने से पहले डेफिनेटली यूज़ करें, आपको कभी भी स्किन केयर को स्किप नहीं करना चाहिए गाइस। एंड आप अपने स्किन केयर रूटीन को जितना सिंपल रखोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपके स्किन को। तो ये तो करी फेस वॉश को क्यों यूज़ करना चाहिए एंड उसके इंपॉर्टेंस, उसका बेनिफिट क्या है। तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंट स्किन टाइप्स एंड उस अकॉर्डिंग आपका कौन से टाइप के फेस वॉशेस, कौन से टाइप के टेक्सचर या फिर कंसिस्टेंसी वाला आपको फेस वॉश को यूज़ करना चाहिए। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्किन टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि स्किन टाइप कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली स्किन टाइप्स 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है वो जस्ट नॉर्मल स्किन टाइप, जिनका जो स्किन होता है वो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होती, ना ज़्यादा ऑयली होता है ना ज़्यादा ड्राई होता है, आपको कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है कि हाँ आपको जेल बेस्ड फेस वॉश को यूज़ करना चाहिए या फिर हाँ आपको क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करना, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके स्किन को सूट करे। बट हमेशा ध्यान रखें कि वो SLS क्वालिटी, पैराबेन, सिलिकॉन एंड फ्रेग्रेंस फ्री हो, ताकि आपके स्किन को अच्छे से अच्छे बेनिफिट मिल सके। बट आप ऐसे फेस वॉश इन्वेसिवली स्विच कर सकते हैं जिससे विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड जो आपके स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत से हेल्प करे। अगर आप एक नॉर्मल स्किन टाइप को डेफिनेटली सीटाफिल जेंटर स्किन क्लींजर को यूज़ कर सकते हो, जिसका जो प्राइस है 245 रुपये से स्टार्ट होता है एंड सबको मिल जाता है 125 ml की क्वान्टिटी है। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं एमग्रफिन फेस वॉश, जिसका जो प्राइस है 299 रुपीज़, आपको मिल जाता है 75 ml की क्वान्टिटी। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो सिंपल काइंड टू रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश, जिसका जो प्राइस है 325 रुपीज़ एंड उस पर आपको मिल जाता है 120 ml की या फिर 200 ml की क्वान्टिटी। नेक्स्ट आप यूज़ करते हो मिनिमल्स का 7% ALA एंड AHA ब्राइटनिंग फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो एंड उसका जो प्राइस है 299 रुपीज़, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर ब्राइटनिंग योर स्किन। नेक्स्ट आप सिंपल का प्रोटेक्ट एंड ग्लो फेशियल वॉश को यूज़ कर सकते हो, जिससे विटामिन सी है जो हमारे स्किन को ब्राइटन अप एंड हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड इसका जो प्राइस 260 रुपीज़। देन आप एक्वालॉजिकल रेडियंस प्लस स्मूदी फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो, जिसका जो प्राइस 249, आपको यहाँ पे मिल जाता है 100 ml क्वान्टिटी, विच इज क्वाइट ग्रेट एट दिस प्राइस पॉइंट। देन आप एफोर्डेबल एंड निविया का मिल्क डिलाइट सैफ्रन फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको मिल जाता है 100 ml क्वान्टिटी एंड इसका जो प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली। एंड दीज आर द फ्यू मोर ऑप्शन फॉर नॉर्मल स्किन, अगर आप चाहते हो तो इसमें से परचेस कर सकते हो कुछ भी अगर आपको पसंद आए हो तो। नेक्स्ट हमारा स्किन टाइप आता है विच इज़ ऑयली स्किन टाइप, जिनका जो फेस होता है वो कम्प्लीटली शाइनी ऑयली होता है, छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, एक्ने या फिर पिंपल का इशू होता ही रहता है, तो उनको मैं रिकमेंड करूँ आप कोई भी जेल बेस्ड
जो कम लेदर करता है एंड आपके फेस को अच्छे से अच्छा क्लीन करता है, आप ऐसे फेस वॉश से स्विच कर सकते हो। एंड आपको मॉर्निंग में डेफिनेटली उठ के फेस वॉश को यूज़ करना चाहिए, उसके बाद अपने स्किन केयर को कंप्लीट करके रात में जब आप सोने से पहले आप जब भी फेस वॉश करते हो या फिर सोने से पहले आपको डेफिनेटली फेस को क्लीन करना चाहिए अच्छे से एंड आपके स्किन केयर को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज आपके जो एक्सेस ऑयल या फिर एक्सेस सीवम जो प्रोडक्शन हुआ पोर्स में चले जाके पोर्स को क्लॉक करके एक्ने या फिर पिंपल भी हो सकते हैं। एंड जब भी आप बाहर से या फिर कहीं से आपको डेफिनेटली फेस वॉश को यूज़ करना, कभी भी आपके स्किन के रूटीन को या फिर फेस वॉश या फिर क्लींजिंग को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप एक ऑयली स्किन टाइप हो आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले फेस वॉश में स्विच या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए जिस पे सैलिसिलिक एसिड हो, नियासिनमाइड एसिड हो, ग्लाइकोलिक एसिड हो, बेंजोइक पैराडाइऑक्साइड हो एंड टी ट्री ऑयल जो एक्सेस ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, एक्ने को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, साथ ही जो हमारे एक्ने मार्क्स छूट जाते उसको भी टाइम के साथ साथ रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप एक ऑयली स्किन टाइप का आपको डेफिनेटली द डर्मा को 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश को यूज़ करना चाहिए। इसका जो प्राइस है 269 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक एक्ने किलिंग फेस वॉश है। नेक्स्ट आप यूज करते हो डॉटन गियर सिका कामिंग एंड 2% सैलिसिलिक एसिड एंटी एक्ने फेस वॉश, इसका जो प्राइस है 279 रुपीज़। नेक्स्ट आप यूज करते हो नाइट्रोजन ऑयल फ्री एक्ने फेस वॉश, दिस इज रियली गुड गाइस। इस पर आपको 2 वेरियंट मिलेंगे, एक ग्रेपफ्रूट पिंक वेरियंट एंड एक येलो वेरियंट, आप दोनों ही परचेस करते हो, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका जो प्राइस है 570 रुपीज़। नेक्स्ट आप एफोर्डेबल में यूज़ कर सकते हो नायका नेचुरल का नीम एंड टी ट्री ऑयल फेस वॉश, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक माइल्ड फेस वॉश है, इतना ज़्यादा लेदर भी नहीं होता, मैं फेस को अच्छे से अच्छे क्लीन कर देता है। इसका जो प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली। नेक्स्ट आप यूज़ करते हो बॉडी शॉप का एक्ने क्लियरिंग फेस वॉश, ये बहुत ही ज़्यादा होली ग्रेल एक फेस वॉश है फॉर ऑयली या फिर एक्ने प्रॉब्लम्स। इसका जो प्राइस है 700 रुपीज़। नेक्स्ट आप सेटाफिल का ऑयल कंट्रोल फोमिंग क्लेंजर को यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ रियली गुड, इसका जो प्राइस है 800 रुपीज़ ओनली। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो डॉक्टर शेड का नीम एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, इसका जो प्राइस है 299 रुपीज़, आपको 100 ml क्वांटिटी मिल जाती है विच इज़ क्वाइट ग्रेट एंड एफोर्डेबल में है। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो डर्माकोकर 3% AHA BHA फोमिंग फेस वॉश, दिस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर एक्टिव एक्ने, इसका जो प्राइस है 350 रुपीज़। नेक्स्ट आप एफोर्डेबल में यूज़ कर सकते हो निविया का मिल्क डिलाइट टर्मरिक फेस वॉश, इसका जो प्राइस है 99 रुपीज़। And these are few more option on the screen. अगर आप इसमें से कुछ भी अच्छा लगा डेफिनेटली इस पर परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्क्रीन टाइप होता है विच इज कॉम्बिनेशन स्क्रीन टाइप, जिनका जो टी जोन होता है, आई मीन दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑयली एंड दिस पर्टिकुलर कंप्लीट एरिया इज ड्राई, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको कौन सा टाइप का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, ये ट्राई करे वो ट्राई करें, ये सूट नहीं करे वो सूट नहीं करे, वो टोटली कन्फ्यूजन में रहते हो कौन सा प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप जब भी गर्मी में आपको जो स्किन है वो ऑयली होना या फिर ऑयली फील होना शुरू कर दिया, आप डेफिनेटली ऑयल बेस्ड फेस वॉश में स्विच कर सकते हैं। एंड जब भी विंटर आ जाए या फिर आपका जो स्किन है वो ड्राई होना शुरू कर दिया, आपको क्रीम बेस्ड हाइड्रेटिंग फेस वॉश में स्विच कर देना चाहिए। एंड अगर आप एक कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, आपको ऐसे इन्ग्रीडियंट्स वाले फेस वॉश पर स्विच करना चाहिए जिस पे सैलिसिलिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड, हेलोरनिक एसिड हो एंड ग्लिसरॉल, जो आपके स्किन को अच्छे से अच्छे हाइड्रेट रखे एंड एक्ने क्लियर, डार्क स्पॉट क्लियर रखे। अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन, आपको डेफिनेटली गर्मियों में जेल बेस्ड फेस वॉश को यूज़ करना चाहिए, यानी आप द डर्माकोकर 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है 260 या फिर 250 रुपीज़। देन आप यूज़ करते हो द डर्माकोकर 3% नियासिनमाइड एसिड फोमिंग फेस वॉश, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर रिड्यूसिंग ऑयल या फिर आपके फेस में कोई भी एक्ने का निशान है या फिर कोई भी डार्क स्पॉट है उसको भी रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो सीटाफिल ऑयली स्किन क्लींजर फेस वॉश, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फॉर ऑयली या फिर अगर आपका स्किन टाइप थोड़ा थोड़ा ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन टाइप है, आपको डेफिनेटली इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इसका जो प्राइस है 500 रुपीज़ ओनली। लास्टली आप रिक्विल का फ्रूट एएचए फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो, दिस इज रियली अमेजिंग, आपको यहाँ पर मिल जाए 200 ml क्वान्टिटी एंड इसका जो प्राइस 450 रुपीज़, क्वाइट एक्सपेंसिव बट वर्क्स रियली अमेजिंग ऑन द स्किन। तो दीज आर द फ्यू मोर ऑप्शन फॉर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप।
तो ये तो हो गया अगर आप एक कॉम्बिनेशन स्किन टाइप को समर में क्या यूज़ करना चाहिए। अब बात करें देखो विंटर में कौन सा टाइप के फेस वॉश को यूज़ करना चाहिए, कौन सा कंसिस्टेंसी वाले फेस वॉश को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप एक कॉम्बिनेशन स्किन टाइप अगर आपको डेफिनेटली को हाइड्रेटिंग फेस वॉश इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप सिटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर को यूज़ कर, दिस इज रियली अमेजिंग। इसका जो प्राइस है 249 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, आपको मिल जाता है 125 ml के क्वान्टिटी। देन आप नायका नेचर का कुकुम्बर एंड एलोवेरा फेस वॉश को यूज़ करते, ये भी बहुत हाइड्रेटिंग फेस वॉश। इसका जो प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली, आपको 100 ml का क्वांटिटी भी मिल जाता है। देन आप यूज करते सिंपल काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग फेशियल ऑयल, दिस इज रियली अमेजिंग फॉर ऑल स्किन टाइप। इसका जो प्राइस है 350 या फिर 60 रुपीज़। देन आप यूज करते सिंपल काइंड ऑफ मॉइस्चराइजिंग फेशियल वॉश, दिस इज रियली अमेजिंग। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा, हाइड्रेट रखेगा। ये बहुत एक मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, इसका जो प्राइस है 350 रुपीज़। तो ये तो हो गई अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप को विंटर में क्या यूज करने चाहिए। एंड मैंने समर का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एंड विंटर का भी डिस्कस कर लिया। अगर आपको कुछ भी इसमें से पसंद आपको डेफिनेटली इसमें जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे अच्छे अपने नाप के लिए ऑप्शन रखे। नेक्स्ट एंड फोर्थ स्किन टाइप आता है विच इज ड्राई स्किन टाइप, जिनको जो फेस होता है कम्प्लीटली ड्राई होता है, कोई भी शाइन नहीं होता, डल ड्राई एंड फ्लेकी भी होता है। तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई भी क्रीम बेस्ड हाइड्रेटिंग फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो, जो आपके फेस को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा ड्यूरिंग क्लींजिंग। एंड आप अगर आप चाहते हो को भी जब भी गर्मी आ जाए आप कोई जेल बेस्ड हाइड्रेटिंग फेस वॉश को यूज़ कर सकते हो, जो आपके फेस को बिल्कुल भी ड्राई आउट ना करें, हाइड्रेटेड भी रखे। एंड अगर आप एक ड्राई स्किन वाले हो, आपको डेफिनेटली मॉर्निंग में फेस वॉश को स्किप कर देना चाहिए। आपको डेफिनेटली रात में सोने से पहले फेस वॉश को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रात में सोने से पहले इज कंपल्सरी। एंड अगर आप ड्राई स्किन वाले हो, आपको डेफिनेटली ऐसे इन्ग्रीडियंट्स वाले फेस वॉश को यूज़ करना चाहिए जिस पर हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड, पेप्टाइड, ग्लिसरीन हो, जबकि स्किन को हाइड्रेट रखे एंड मॉइस्चराइज एंड नरिश रखे। आप यूज करो सेटिफिल का जेंटल स्किन क्लींजर, ये भी बहुत ही अच्छा फॉर ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के। जो प्राइस है 240 या फिर 60 रुपीज़ एंड सब को मुझे तो 125 ml के क्वान्टिटी। देन आप यूज़ कर सकते डॉटिन की का हाइड्रेटिंग फेशियल वॉश, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर ड्राई स्किन एंड इसका जो प्राइस है 270 या फिर 60 रुपीज़। नेक्स्ट आप अफोर्डेबल में यूज़ कर निविया मिल्क जेल हनी फेस वॉश, दिस इज़ रियली अमेजिंग फॉर ड्राई स्किन। एंड आप जानते हो कि हनी स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है। इसका जो प्राइस है 99 रुपीज़ एंड आपको मिल जाता है 100 ml के क्वान्टिटी। देन लास्टली आप एम कैफीन का कॉफ़ी एंड मिल्क फेस वॉश को यूज़ कर, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर ड्राई स्किन। एंड दीज आर फ्यू मोर ऑप्शन फॉर ड्राई स्किन। अगर आपको इसमें से कुछ पसंद को डेफिनेट ट्राई करना चाहिए, दे आर क्वालिटी एस एक्सपेरिमेंट सिलिकॉन ग्लूटेन आर्टिफिशियल कलर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्री। नेक्स्ट एंड लास्ट स्किन टाइप होता है विच इज सेंसिटिव स्किन टाइप, जिनका जो स्किन होता है कम्प्लीटली सेंसिटिव होता है, आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी ट्राई करो वो आपके फेस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाला है। बहुत सारे डाइट में रहते कि ये यूज़ करो या फिर वो यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी ईजिली सूट नहीं करते, उल्टा बहुत ख़राब सा क्रिएशन आ जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई एक यू नो ऐसे फेस वॉश इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आर्टिफिशियल कलर या फिर फ्रेग्रेंस ना हो, एंड ऐसे इन्वेस्ट हो उस पर जो आपकी स्किन को सूट करे, काम रखें। तो अगर आप सेंसिटिव स्किन वालों कोई भी ऐसे फेस वॉश या फिर ऐसे क्लींजर पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिस पे हेलोनिक एसिड हो, सेरामाइड हो, पेप्टाइड हो एंड ग्लिसरीन ऑब्वियसली, जो आपके स्टेम एंड स्किन वेरियर को रिपेयर करने में हेल्प करे एंड आपके फेस को सूद रखे एंड काम रखे, ताकि आपके फेस को कोई भी इरिटेट ना हो, आप डेफिनेटली उसको सेटेबल का जेंटल स्किन क्लींजर भी बहुत अच्छा है फॉर सेंसिटिव स्किन। सबको कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फिर फ्रेग्रेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आप एफोर्डेबल ऑप्शन में यूज़ करते हो नायका नेचुरल का कैमोमाइल एंड लेवेंडर फेस वॉश, ये भी बहुत अच्छा एंड कामिंग प्रॉपर्टीज है, जबकि स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर, उल्टा आपकी स्किन को इरिटेट करने से बचाएगा, काम एंड स्मूथ रखेगा। इसका जो प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली। देन आप यूज़ करते हो सिंपल काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है फॉर फेस सेंसिटिव स्किन, क्योंकि इसके आपको ट्यूब में मेंशन किया फॉर सेंसिटिव स्किन, तो ऑल स्किन टाइप कैन ऑल्सो यूज दिस। देन आप एपिसोड क्लींजिंग लोशन को यूज़ करते, दिस इज रियली अमेजिंग फॉर सेंसिटिव स्किन टाइप एंड ड्राई स्किन। इसका जो प्राइस है 570 something रुपीज़। एंड लास्टली आप यूज़ करते हैं निविया मिल्क रियल का रोज फेस वॉश, इसका जो प्राइस है 99 रुपीज़ ओनली, आपको 100 ml की क्वान्टिटी मिल जाती है। एंड दीज आर द फ्यू मोर ऑप्शन फॉर सेंसिटिव स्किन, जो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो अगर आप इसमें से कुछ भी पसंद आए। दे आर क्वालिटी फ्री, एसिलस फ्री, पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री। एंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा अबाउट फेस वॉश, के फेस वॉश को क्यों यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन टाइप एंड आपको किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग किस टाइप प्रोडक्ट को या फिर कंसिस्टेंसी वाले प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए।
एंड देन मैंने आपको कुछ अच्छे खासे ऑप्शन दिखाए फेस वॉशेस के, तो यू कैन डेफिनेटली बाय फ्रॉम देम। आज का वीडियो करके ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, एंड अगर आप ऐसे टाइप के वीडियोस और भी देख रहे हैं डेफिनेटली मुझे कमेंट डाउन, मुझे अच्छा लगेगा आपके सारे के सारे कमेंट करके मुझे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अगर ऐसे टाइप के वीडियोज़ और देखने चाहिए इन फ्यूचर डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन बताना। एंड आई होप कि इस वीडियो ने आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज दिया होगा अबाउट स्किन टाइप, फेस वॉशेस एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड आज का वीडियो अगर पसंद है अगर डेफिनेटली एक लाइक करना, अगर बहुत ही ज्यादा पसंद है तो डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय।